अवैध शराब की तस्करी में लिप्त एक व्यक्ति को गोरखपुर पुलिस ने एमजीएम स्कूल के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 350 पाव देशी शराब बरामद की है। अवैध शराब के कारोबार में लिप्त सतीश सोनकर को क्राइम ब्रांच और गोरखपुर पुलिस ने एमजीएम स्कूल के पास बनी बस्ती से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर सतीश के घर के पास बनी टपरिया में दबिश देकर 7 पेटियों में भरी 350 पाव देशी शराब जब्त की गई है। पुलिस के द्वारा सतीश सोनकर से शराब के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने उसको घेराबंदी करके पकड़ा, उसके पास 5 पेटी दारू कुल 350 पाव मिले, जिसमें से 2 देसी प्लेन की पेटी है और 3 मसाला की के शराब है और कुल उससे ऐसे 350 पाव जब्त किए गए। 34-2 में उस पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है।